وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. भैया आगे भी मैंने आपको ना कॉल की है सूरत कोसर के लिए, तो आपने मतलब वो कॉल काट के बाद में लाइव आंसर दिया, अच्छा तो वैसे मैंने उसके लिए ठीक है वो मामला जो है अलग है, तो मैं जो है सही बात हक पे आना चाह रहा हूँ, तो जो है ना आपके हक की तरफ जो है ना ये किदा जो है ना मेरे लिए मतलब मुझे समझ में आ रहा है, मैं हक की तरफ आना चाह रहा हूँ। शायद मैंने नहीं काटा था भाई, आप कह रहे काटा, मुझे याद नहीं आपको काटा, मुझे खुद भी ध्यान हो गया था कि आप लाइन पे सर, नहीं मैंने रहे। अपना नाम बताया, मैंने कहा शायद मेरा नाम सुन के काट दिया, उम्र नाम है मेरा। नहीं नहीं मैंने वो शायद पता नहीं कैसे कैसे कटा, मैं मुझे याद नहीं पड़ता काट गया, जो जब मैं सूरह कौसर पढ़ रहा था ना तो उस वक्त मुझे अंदाजा हो गया कि आप लाइन पे नहीं है, तो मुझे खुद भी हुआ सर मैं एक आदमी कहाँ गया। मुझे अभी सवाल नहीं करने, उसकी वजह ये है कि तकरीबन मेरे सवालों के जवाब मैं काफी देर से आपको सुन रहा हूँ, तो मुझे मिल गया है और मुझे भी पता चल गया है कौन हक है और कौन नहीं। तो आपके घर वाले तो किस मेरा नाम उमर उमर है भाई, उमर साहब सर, आपके मेरे घर घर वाले में किस मजहब पे हैं, आपके घर में कोई शिया भी है सर अहले सुन्नत नहीं सब? सर, मैं वाहिद हूँ और मैंने इलम भी लगा लिया हुआ है। माशाल्लाह, बाबा वो दादा नाना दोनों तरफ से आप गैर शिया हैं? अहले सुन्नत सब अच्छा सुन्नत में अहले सुन्नत ओके, और अब आप शिया होना चाहते हैं? जी सर बिल्कुल तो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, क्या खिदमत हो सकती है मुझे? सर, बस ये मुझे दो बातें ज़्यादा खास तौर पे पूछनी थी कि अभी मैंने नमाज घर वालों के सामने नहीं पढ़ी, तो वो मतलब कि अगर मैं अपने रूम में बैठ के पढ़ लिया करूं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आप इनको छुपा ना दें बताऊं बिल्कुल। या ऐसा देखो कुछ भाई कर लूं, देखो भाई, कोई एतराज़ नहीं होगा। मोमिन आले फिरौन जो था, फिरौन के घर में रहता था, ठीक है ना, वो मोमिन था, ठीक है मोमिन था, वो जन्नती है वो। फिरौन फिरौन क्या कहता, फिरौन कहता था मैं अल्लाह हूँ, अल्लाह हूँ। फिरौन कहता था मैं जमीन आसमान का ठीक खालिक मैं हूँ, रब आला मैं हूँ। तो वो लोगों के सामने यही कहता था, कहता था मेरा भी दीन यही है, लेकिन वो घर में जाकर चुपके से नमाज पढ़ता था। तो आप भी एक ऐसे माहौल में रहते हैं ना कि आपके वहां पे सब लोग उनको उनको पता नहीं है, वो बेचारे पर वो तो हाँ अभी आपको नादानी की नॉलेज वजह नहीं है से, ना कि हाँ जब से कलम लगाया इन्फॉर्मेशन मेरे नहीं। ऊपर क्या मुश्किलात आई हैं मोहल्ले वालों हाँ के खास तौर पे वजह। तो आपके मोहल्ले वाले हैं, आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, वो आपका जीना हराम कर देंगे, तो आप बिल्कुल किसी को ना बताइए। सर अभी किया हुआ है, लेकिन ये है कि जिनके सदके मैं कर रहा हूँ ना वो मदद भी कार आलम लगाया है, वो हाँ जो मामलात हुए हैं वो मुझे पता है, लेकिन हार नहीं मानी क्योंकि मुझे पता है ये हक है, दुनियावी लड़ाई से बात बेहतर है मुझे ये मार दें वही ठीक बेहतर। है, अगर अगर मसलन आप अगर आप छुपाना चाहें उन लोगों से, मख्फी करना चाहें ना, तो उसमें कोई हुरमत नहीं है, बल्कि अहले बैत अलैहिस्सलाम ने इसी की तरगीब दिया कि तकिया करना सर इसका मैं बहुत इंशाल्लाह सवाब है। आहिस्ता हाँ जो शख्स आहिस्ता तकिया इसको करता है भाई ऐसा है सोर कि बहनों वो की तरफ ले रसूल आऊंगा, पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद में शरीक है, इतना उसका सवाब है तकिया करने का, ठीक है ना। ये सबसे बड़ा सवाल था मेरे लिए कि शायद हाँ वो शक शुबा आज मेरे अकीदे पे कि मैं बिल्कुल, छुप के आप पढ़ हूँ डर के अगर पढ़ हूँ। देखें आपने अभी रहना है उनके दरमियान 10 साल 20 साल 30 साल, ठीक है ना, एक दो दिन की तो बात नहीं है, आप उनके साथ अपने ताल्लुकात बेशक नहायत दोस्ताना रखें, वो क्योंकि उनको वो आपके दुश्मन तो नहीं है, लेकिन वो जहालत की वजह से तासुब की वजह से आपसे दुश्मनी करेंगे अगर आप उनके साथ अच्छा बर्ताव ना करें, लेकिन अगर आप नहीं, अपनी छोटा तरफ से भाई है वो आपको हाँ सुनता है, हाँ वो हक पे तकरीबन आधा हो गया आधा रह गया, वो बस मैं अच्छा ये है कि मेरा नाम भी उमर है, तो मैं मतलब नहीं अपने आप को भी ठीक समझ रहा। तो इंशाल्लाह आप अपना नाम जो है ना, ये रमजान का महीना है और इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम का यौम विलादत आ रहा है, तो आप अपना नाम चेंज कीजिए सईद शिबाब अहल जन्ना के नाम पर, इमाम हसन मैंने मुश्तबा अपना अलैहिस्सलाम नाम के जो नाम है पर। हाँ हैदर पसंद आया वो रखा हुआ है मैंने आईडी पे वगैरह फेसबुक वगैरह। अच्छा, जो मर्जी आप, बहरहाल खुदा आपको जजाय खैर दे, आप जो है ना अपने अपने रिश्तेदारों से घर वालों से अपने ताल्लुकात नहायत दोस्ताना रखें, बेजा उनसे बेजा मुनाजरा वगैरह ना करें और उनका ऐसी बात ना करें, ना करें कि वो आपके दुश्मन बन जाएं, ठीक है ना। ठीक है तो सर और अभी को ये मतलब क्या फरमा रहे हैं? सर ये अभी कलमा जो आपका मैंने वैसे याद किया हुआ है तो वो हाँ बोलो सुनाना लाजिम है या बस मतलब आता है बोलो, कि वो ही बिस्मिल्लाह काफी। रहमान रहीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्लाहुम्म सल्ल अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। वाजिहिल फरहुम अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह वाशहदु अन्ना व अशहदु अन्ना
فاطمة الزهراء. فاطمة الزهراء. سيدة نساء العالمين. سيد النساء العالمين. وأشهد أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب حجة الله وخليفة الله وخليفة رسول الله ووصي رسول الله بلا فاسد. وأشهد أن الحسن والحسين وعلي بن الحسين وعلي بن حسين ومحمد بن علي ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وموسى بن جعفر وعلي بن موسى وعلي بن موسى ومحمد بن علي ومحمد بن علي وعلي بن محمد وعلي بن محمد والحسن بن علي وحسن بن علي والحجة المنتظر ابن الحسن منتظر المهدي ابن الحسن أئمة الهدى وحجج الله وخلفاء الله وخلفاء رسول الله رسول الله وأوصياء رسول الله وأوصياء رسول الله بهم أتولى بهم أتولى وهب أتولى ومن أعدائهم من أعدائهم أنكي دشمنوسة وعبيد أعدائهم أنكي دشمنوسة أنكي دشمنوسة بیزار ہوں بیزار اور ان کے دوستوں کا اور ان کے دوستوں کا دوست ہوں دوست ہوں اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کا ائمہ طاہرین مسلم غلام بردار فرمان بردار غلام ہوں فرمان بردار غلام غلام ہوں یہ ہے یہ تشیع یہ شیعہ مبارک ہو بھائی مبارك هو آپكو مبارك هو إيمان آپكو إن شاء الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله خدا آپ سے قبول فرمائے خدا آپكو جنتی بنائے إن شاء الله آپ جنتی بن گئے يا علي مدد يا علي مدد thank you sir خدا يا علي مدد sir يا علي مدد يا علي مدد